बहुत ही अच्छा रहा और पहली बार देख रहे हैं कितनी जल्दी रिजल्ट निकला है। अच्छा, कौन सब्जेक्ट आपका? इंग्लिश। ट्रेनिंग में भी भेज रहे हैं यहाँ ज्वाइनिंग कराने के बाद, तो तैयार होके आई हैं कि आप ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, पूरा बैग लेके आई हूँ ट्रेनिंग के लिए। आई नहीं, बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ सो। हम लोग जो नियोजन का भार लेकर चल रहे थे उससे मुक्ति मिली। नियोजित शिक्षक? हाँ, नियोजित शिक्षक हूँ मैं 10 वर्ष। बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहा, बहुत ही अच्छा, और उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी रिजल्ट देंगे, इतनी जल्दी ज्वाइनिंग के लिए भी हो जाएगा। रिजल्ट तो ठीक ठाक ही दिया है और आगे बस स्कूल अलॉटमेंट सही जगह मिल जाए, उसमें चॉइस मिले हम लोग को कि अच्छा जगह पे हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ। नियोजित शिक्षकों को जो है कि ये लोग अभी भी ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं यहीं से प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर देकर। तो मेरा कहना है कि जब स्कूल खुल जाएगी, अभी तो चूंकि दुर्गा पूजा को 19 से 25 तक बंद है विद्यालय, लेकिन जैसे ही 26 को खुलेगी तो नियोजित शिक्षक अपने स्कूल में योगदान देंगे या फिर ट्रेनिंग पे सेंटर पे रहेंगे? बहुत अच्छा रहा सर, और अतुल सर बहुत अच्छा मैनेज किए सब चीज़ को, ना क्वेश्चन लीक हुआ टाइम पे, सब चीज़ सिस्टमेटिक। पूरी परीक्षा प्रक्रिया तो सही रहा, क्योंकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए और BPSC अपने बिहार के सबसे बड़ी संस्था है, कमीशन है, तो उसके माध्यम से जो टीचर बहाल होंगे तो समाज में जो आज जो छवि नियोजित शिक्षकों की है उससे तो ऊपर होगी ही, और ये होना भी चाहिए। और मैं सभी शिक्षकों से कहूँगा कि जो बहिष्कार किए वो फिर से BPSC 3-2 में बैठें और BPSC का रिजल्ट निकाल करके अपने ऊपर लगे धब्बे को खत्म। रिजल्ट को थोड़ा सा भेग है, कहाँ पोस्टिंग होगा, कैसे होगा, कुछ अभी पता नहीं है। कौन सा स्कूल, स्कूल का चयन का कोई पता नहीं है, क्या स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा परेशानी है। बस अभी काउंसलिंग करवा रहे हैं, इसके बाद पता चला है कि ट्रेनिंग में डायरेक्ट जाना है, तो ट्रेनिंग पोस्टिंग के बाद होगा, क्या होगा ये कुछ नहीं पता। ट्रेनिंग के बारे में बोला गया है कि आपको 2 सप्ताह का जो है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और जो है आपको वहीं पे जो है फूडिंग लॉजिंग सबका व्यवस्था है, आपको जो है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही जो है जो भी है ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। तो हम लोगों को जो स्कूल दिया गया जो है, जो क्या मैंने, ये तो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलाउट कर दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि प्रायोरिटी लिस्ट के साथ, जैसे मेरा 46 पटना में मेरा 46 रैंक आया है, ऐसे मेरा 169 रैंक है केमिस्ट्री में जो है, तो हमें जो है किस तरह का जो है न्यायोचित मेरे संगत मिले, और हमारी सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाए। सरकार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि नियोजित कभी भी कमज़ोर नहीं थे, नियोजित कभी भी उनकी गुणवत्ता में कमी नहीं थी। अगर वो गुणवत्ता में कहीं अगर वो जिन्होंने भी एग्जाम दिया, मेरे स्कूल के सारे टीचर या जितने भी हैं दूसरे स्कूल में भी हैं, वो भी सारे क्वालिफाई किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। BPSC के द्वारा 1,70,461 शिक्षक बहाली का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। बता दें आपको कि 1,22,009 चयनित शिक्षक बिहार को मिले हैं और इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हम हैं पटना के गर्दनीबाग में, जो हाई स्कूल है वहाँ पे, और यहाँ यही सेंटर बनाया गया है जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट पास कर रहे हैं उन्हें आकर अपना काउंसलिंग कराना है और इसके बाद सीधे ज्वाइनिंग में जाना है। तो चलिए बात करते हैं जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं काउंसलिंग कराने के लिए उनसे। मैडम, ज्वाइनिंग करने के लिए आप आई हैं काउंसलिंग कराने के लिए, कहाँ से हैं, कैसा रहा रिजल्ट बताइए। मैं +2 केमिस्ट्री टीचर थी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और मैं +2 जो इंटर के जो केमिस्ट्री की टीचर हूँ, जहाँ रामधारी से दिनकर पहले हेडमास्टर के रूप में कार्य किए थे। मैं गौरव के साथ कहती हूँ कि मैं उस विद्यालय में कार्यरत थी और मैं अपने विद्यालय से बहुत ही प्रसन्न थी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब केमिस्ट्री से PhD की हूँ और इसके बाद भी वहाँ काम कर रही थी एज ए नियोजित, बट उस समय मुझे बहुत ही गंदा फील होता था, ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने गाली दे दिया मेरे साथ नियोजित शब्द कह। लेकिन मैडम, शिक्षक संघ के द्वारा इस परीक्षा का बहिष्कार किया गया। सर, हमने बहिष्कार नहीं किया है, हमने कभी भी बहिष्कार नहीं किया है। हमने कहा कि आज से आप, अगर मेरी गुणवत्ता पर प्रश्न था तो आपने हमें पहले क्यों बहाल किया था, और अगर हम वो क्या थे, काबिल नहीं थे, तो हमारे विद्यालय के 100% शिक्षक आज जो है टॉप 46 शिक्षक थे। मैडम, आपके विद्यालय में 22 टीचर थे, सारे चयनित हुए हैं। और अभी अब आपको उनको लेकर चलना है, मैं वहाँ केमिस्ट्री में +2 में जो है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में 2 ही टीचर थी, मेरा नाम डॉक्टर कल्पना कुमारी हुआ, और जो है वहाँ जो है मैं मेरे विद्यालय में 333 स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर में है, मतलब 11 में है, और 333 स्टूडेंट जो है सेकेंड ईयर में है। मैं उन सभी बच्चों को छोड़ के आई हूँ
कि मुझे गृह जिला मिल जाए एक जो है, क्योंकि यहाँ मेरा जो है घर स्कूल अलॉटमेंट के बारे में क्या कहेंगी, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं गया। हाँ स्कूल हम यही हम लोगों के पास बहुत ही ऊहापोह की स्थिति हो गई है कि जो है जो हम लोगों को जो स्कूल दिया गया जो है जो क्या मन ये तो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलाउट कर दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि प्रायोरिटी लिस्ट के साथ जैसे मेरा 46 पटना में मेरा 46 रैंक आया है, ऐसे मेरा 169 रैंक है केमिस्ट्री में जो है, तो हमें जो है किस तरह का जो है न्याय न्यायोचित मेरे संगत मिले और हमारी सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाए। हाँ और सरकार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि नियोजित कभी भी कमजोर नहीं थे, नियोजित कभी भी उनकी गुणवत्ता में कमी नहीं थी। अगर वो गुणवत्ता में कहीं अगर वो जिन्होंने भी एग्जाम दिया मेरे स्कूल के सारे टीचर या जितने भी हैं दूसरे स्कूल में भी हैं वो भी सारे क्वालिफाई किए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी गुणवत्ता में कमी थी। आपका हो गया आपका काउंसलिंग? हाँ काउंसलिंग हो गया सर और बहुत अच्छा रहा। किस सब्जेक्ट से थे आप? केमिस्ट्री में थे। आप भी नियोजित शिक्षक हैं? नहीं सर हम नियोजित शिक्षक नहीं थे, पहली बार बीपीएससी का एग्जाम दिया था। और टीचर्स का कितना विश्वास था कि रिजल्ट मेरा हो जाएगा आपका? सर 100% 100% जी 100% उम्मीद था कि होगा ही होगा रिजल्ट। अच्छा जी। अच्छा कैसा रहा पूरा परीक्षा व्यवस्था बीपीएससी का देखा? बहुत अच्छा रहा सर और अतुल सर बहुत अच्छा मैनेज किया सब चीज को, ना क्वेश्चन लीक हुआ टाइम पे, सब चीज सिस्टमेटिक हुआ जी। अभी आप लोग का स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये हो जाना चाहिए था, ये भी बीपीएससी को ही कर देना चाहिए था, ये भी बीपीएससी को। हाँ डिस्ट्रिक्ट दे करके बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जी। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अभी देख के आ रहे हैं काउंसलिंग का? सर नियोजित शिक्षक हूँ मैं, लेकिन मेरा एक समस्या है कि नियोजित शिक्षकों को जो है कि ये लोग अभी भी ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं यहीं से प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर देकर। तो मेरा कहना है कि जब स्कूल खुल जाएगी, अभी तो चूंकि दुर्गा पूजा को 19 से 25 तक बंद है विद्यालय, लेकिन जैसे ही 26 को खुलेगी तो नियोजित शिक्षक अपने स्कूल में योगदान देंगे या फिर ट्रेनिंग पे सेंटर पे रहेंगे? तो ये चीज ये स्टैंड यहाँ क्लियर नहीं कर रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं कि लेटर के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, अभी जाके फिलहाल ट्रेनिंग कीजिए। कौन सब्जेक्ट आपका है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री से जी। कहाँ से रहने वाले हैं? जी मैं तो पटना ही का रहने वाला हूँ। आप नियोजन व्यवस्था को भी आप देखें और बीपीएससी से भी बहाली को देखें, किसको अच्छा मान रहे हैं आप? नो डाउट कि बीपीएससी अच्छा व्यवस्था है, नियोजित व्यवस्था तो चूंकि पंचायत स्तर पर बहुत सारे चीजें सुधार में नहीं हुई थी जो बीपीएससी ने सुधारा है, तो ये बिल्कुल ही अच्छी व्यवस्था है। और चलिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आप भी हैं? किस सब्जेक्ट में थे? हम केमिस्ट्री में हैं। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा होम डिस्ट्रिक्ट तो पटना है, लेकिन अभी मैं क्षत्रिय स्कूल आरा में पोस्टेड हूँ नियोजित टीचर। तो एक समस्या तो मेरी भी जो अभी सर ने बताया, तो हम भी डीपीओ सर से बात किए तो वो कुछ क्लियर नहीं कर पाए। वो बोले कि अपने स्कूल को एक जो आपका लेटर मिला है और एक एप्लीकेशन के साथ प्रिंसिपल को दे दीजिए और वो आपको जो है वहाँ पे ट्रेनिंग लिखेंगे, लेकिन जब तक विधिवत कोई विभाग से लेटर नहीं निकलेगा इसके बारे में क्या कहा जाए, यही समस्या है एक। अच्छा और पूरे परीक्षा प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे आप? पूरी परीक्षा प्रक्रिया तो सही रहा, चूंकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए और बीपीएससी अपने बिहार के सबसे बड़ी संस्था है, कमीशन है, तो उसके माध्यम से जो टीचर बहाल होंगे तो समाज में जो आज जो छवि नियोजित शिक्षकों की है उससे तो ऊपर होगी ही, और ये होना भी चाहिए। और मैं सभी शिक्षकों से कहूँगा कि जो बहिष्कार किए वो फिर से बीपीएससी T2 में बैठें और बीपीएससी का रिजल्ट निकाल करके अपने ऊपर लगे धब्बे को खत्म करें। किस सब्जेक्ट में आपका हुआ है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में प्लस 2 में? प्लस 2 में। कहाँ से हैं? सहरसा से। और कैसा रहा कंधा की रिजल्ट को लेकर, पहले से था कि मेरा हो जाएगा? हाँ पहले चेक कर लिया था OMR से, तो कंफर्म थी कि टॉप 10 में रहूंगी। मैं हूँ टॉप 10 में। कितना रैंक है? 10वां रैंक है। अच्छा ये बताइए कि कैसा रहा पूरा परीक्षा व्यवस्था जो बीपीएससी? बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहा, बहुत ही अच्छा, और उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी रिजल्ट देंगे, इतनी जल्दी ज्वाइनिंग के लिए भी हो जाएगा, तो बहुत अच्छा। चलिए आप ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। कौन सब्जेक्ट था आपका? ज्योग्राफी। किसमें? प्लस 2? प्लस 2। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पटना के निवासी। अच्छा ये कैसा, आपको पहले से विश्वास था कि मेरा हो जाएगा सीट के हिसाब से ये सब? हाँ विश्वास तो था। अच्छा कैसा रहा पूरा परीक्षा जो बीपीएससी लिया, पहले से नियोजन चलता था, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा, सिस्टमेटिक वे से, बहुत पारदर्शी ढंग से, बहुत सुरक्षित तरीके से एग्जाम लिया गया। अच्छा तो ये पटना जिला ही आपका चॉइस है? जी।
पहला सर। रहने वाली पटना के जी, पटना के। चलिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। और क्या नाम होगा आपका? विवेक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यही पटना के। पटना के। हाँ। कौन सब्जेक्ट आपका? ज्योग्राफी है। और ज्वाइन करने के लिए आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है, रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? रिजल्ट को थोड़ा सा भेग है, कहाँ पोस्टिंग होगा कैसे होगा कुछ अभी पता नहीं है, कौन सा स्कूल, स्कूल का चयन का कोई पता नहीं है, क्या स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा परेशानी है। बस अभी काउंसलिंग करवा रहे हैं, इसके बाद पता चला है कि ट्रेनिंग में डायरेक्ट जाना है, तो ट्रेनिंग पोस्टिंग के बाद होगा क्या होगा ये कुछ नहीं पता है, थोड़ा सा समस्या है। और ये पूरा परीक्षा जो हुआ इसको आप कैसे देख रहे हैं? बीपीएससी के द्वारा लिया गया है, सही है, लेकिन ग्रेड स्केल जो है कम है। अच्छा, वो तो खैर सरकार का काम है, लेकिन पढ़ाई जो परीक्षा का जो मामला है वो सही है, सही है। चलिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हो गया आपका काउंसलिंग? हाँ, हो गया। कौन सब्जेक्ट था? मेरा केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली है? मैं जड़ुआ की रहने वाली। अच्छा, और ये रिजल्ट को लेकर क्या था आपका, एग्जाम कैसा, मतलब की पहले से था कि हमारा हो जाएगा? हाँ, लग तो रहा था एग्जाम अच्छा गया था, तो लग रहा था कि हो जाएगा। रिजल्ट आया, क्या कहना है आपका? रिजल्ट तो ठीक ठाक ही दिया है, और आगे बस स्कूल अलॉटमेंट सही जगह मिल जाए, उसमें चॉइस मिले हम लोग को कि अच्छा जगह पे हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पे रिपोर्ट कर सके। अच्छा, ये बीपीएससी परीक्षा लिया, इसे कैसे देख रही हैं, कैसा रहा पूरा परीक्षा? परीक्षा तो अच्छा है, परीक्षा का लेवल भी ठीक था, होना भी चाहिए था, टीचर्स का नॉलेज का टेस्ट होना चाहिए था। ये स्कूल ये सबके अलॉटमेंट को क्या बोले हैं अंदर में? स्कूल अलॉटमेंट के बारे में तो कहीं नहीं कुछ कहा गया, अभी तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, ट्रेनिंग कॉलेज, और उसके बाद कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, फिर उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा, पोर्टल बना के किया जाएगा, ये पता नहीं। चलिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कैसा रहा रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत संतोषजनक रिजल्ट रहा, जैसा उम्मीद जो था, हम लोग जो अपना जो है आंसर जो है चेक किए थे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो था। केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री तुम्हारे पटना का ही है। अच्छा। जी, और ये जो बीपीएससी परीक्षा पूरा लिया, इसे कैसे देखते हैं, नियोजन से अच्छा है या ये? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था के तहत जो हुआ है संतोषजनक हुआ है, जो उम्मीद था उससे भी बेटर हुआ है, और उम्मीद है कि बस जल्दी से जल्दी हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, और हम लोग को जो है अपना काउंसलिंग करा लिए हैं आप अपना? जी, काउंसलिंग हो गई। स्कूल, स्कूल के बारे में कब बता रहे हैं कि स्कूल कब अलॉट होगा? तो कुछ बता नहीं रहे, बोल रहे हैं कि वो जो है मेरिट वाइज होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी तो हम लोग ऑप्शन ही मांगा गया है, यदि ऑप्शन मांगा जाए तो ज्यादा बेटर रहता कि अपने जो भी नजदीक है वहाँ पे यदि हो जाए तो हम लोग और बेटर जो है सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में क्या कहा गया? ट्रेनिंग के बारे में बोला गया है कि आपको 2 सप्ताह का जो है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और जो है आपको वहीं पे जो है फूडिंग लॉजिंग सबका व्यवस्था है, आपको जो है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही जो है जो भी है ज्वाइनिंग लेटर इशू होगी। कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। क्या कहेंगे रिजल्ट को लेकर? बहुत ही अच्छा रहा, और पहली बार देख रहे हैं कितनी जल्दी रिजल्ट निकला है। अच्छा, कौन सब्जेक्ट आपका? इंग्लिश। कहाँ की रहने वाली है? खगड़िया। खगड़िया की रहने वाली है। हाँ। कैसा ये जो परीक्षा हुआ बीपीएससी के द्वारा, पहले से नियोजन चलता था, कैसा लगा ये पूरा परीक्षा प्रक्रिया? मुझे प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी, मैं चाहूंगी आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू ये रहे। तो ट्रेनिंग में भी भेज रहे हैं यहाँ ज्वाइनिंग कराने के बाद, तो तैयार होके आई हैं कि आप? हाँ, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, पूरा बैग लेके आई हूँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। चलिए, आप ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तब रिजल्ट आ गया, इतना जल्दी परीक्षा सब सब समाप्त हो गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ सो। हम लोग जो नियोजन का भार लेकर चल रहे थे उससे मुक्ति मिली। अच्छा, नियोजित शिक्षक? हाँ, नियोजित शिक्षक हूँ मैं 10 वर्षों। अच्छा, किस सब्जेक्ट के लिए आपका चयन? मैं राजनीति विज्ञान से हूँ, प्लस टू में। अच्छा, नियोजन व्यवस्था, आप तो नियोजन व्यवस्था भी देखें, आप बीपीएससी जो परीक्षा दिया, दोनों में से आपको कौन पसंद है? अभी तो सर बीपीएससी व्यवस्था देखेंगे तब, सभी तो परीक्षा देकर एंट्री ही लिए हैं, तो कैसे बताएं? परीक्षा तो देके पास कर गए हैं आप, कैसा रहा पूरा व्यवस्था ये पास? ये बहुत अच्छी बात रही है, बहुत अच्छी परीक्षा हुई। अच्छा, और स्कूल, स्कूल के अलॉटमेंट को लेकर क्या कुछ सूचना मिला है आपको? कोई सूचना नहीं है अभी, सिर्फ अभी ये जिला भी आवंटन का सूचना मिली है। और ट्रेनिंग का भी तैयार होके आए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको सुन रहे घर बगल में ऐसा कुछ मिलता है तो ठीक के ले आएंगे, कर लेंगे। तो बता दें आपको कि यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट जो पास होके आए हैं वो ट्रेनिंग के लिए भी उनको अभी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग होने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ट्रेनिंग की बातें कही जा रही हैं, उसके लिए सारे व्यवस्था भी हर एक जिलाओं में किया गया है। तो आपको बताएं कि जो शिक्षक जो बने हैं, नव नियुक्त जो हुए हैं, जो नव चयनित हैं, जिन्हें अब नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी मैदान के एक समारोह में दिया जाएगा। तो आपको बता दें ज्वाइनिंग भी शुरू हो गया है, रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा दे दिया गया, और देखा जाए तो इतना बड़ा बहाली 4-5 महीनों के अंदर में नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग तक पूरा करा लिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।